हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपकी वर्कशीट 23 ये डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें वर्कशीट। आज की वर्कशीट है, मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल ज़रूर खाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमें कोरोना से बचने में मदद करता है। पापा रेट लिस्ट से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं, जिसे हल करने में बहुत मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों के को मिलकर हल करें। तो अब यहाँ पर एक स्पेशल बात बताई गई है कि विटामिन सी वाले फल खाते हैं ये दोनों, क्योंकि ये विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और वो हमें कोरोना से बचने में मदद करता है। अब पापा जब फल खरीद कर लाते हैं तो बिल भी मिलता है, बिल में रेट लिखे होते हैं, तो उस रेट को देखकर पापा उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और वो उन सवालों के जवाब देते हैं। आज वो हमारी हेल्प से उन प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलो उनकी हेल्प करते हैं। अब प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्या क्या हैं। पहले यहाँ पे रेट देखते हैं क्या क्या रेट दिए हुए हैं। अमरूद दिया है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, आम 40 रुपये प्रति किलोग्राम, सेब 120 रुपये प्रति किलोग्राम, अनार 90 रुपये प्रति किलोग्राम, मौसमी 40 रुपये, लीची 70 रुपये, पपीता 35 रुपये और अनानास 80 रुपये। ये हमारे पास रेट लिस्ट है। इस रेट लिस्ट को देखकर जो पापा ने सवाल पूछे हैं ना, उनका हमें आंसर करने हैं। अब पहला प्रश्न है, 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मूल्य कितना है? यानी अगर हम 2 किलो आम लें और 1 किलो सेब लें, तो दोनों को खरीदने के बाद हमें कितना दाम चुकाना पड़ेगा, कितने पैसे देने होंगे। प्रश्न दो है, पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी? अब हमें यहाँ पर 1 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है, लेकिन पापा ने 600 ग्राम लीची खरीदी है, तो कितने की खरीदी। प्रश्न तीन, अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है? अब हमने ऊपर रेट देखे थे ना, वहां अनार अमरूद से महंगा है, लेकिन कितना महंगा है ये बताना है हमें। 5 किलो अनानास का मूल्य बताओ, ये चौथा प्रश्न है हमारा। और पांचवा प्रश्न है, कोरोना बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का हम घर में कैसे उपचार कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखें। अब क्योंकि कोरोना से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, तो हर कोई हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता, तो बहुत से लोग होम आइसोलेशन में भी हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे ये हमें बताना है। तो ये तो अब आप सबको पता होगा कि हम उपचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट ले सकते हो। पहली बात, क्या रखना है उसे घर के अन्य सदस्यों से अलग रखोगे, और उसके खाने पीने के बारे में बताना है आपको कि उसे कैसे खाना दोगे। जो भी हमारा बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, उसका नहाना धोना, दवाइयाँ, ये सब, इस सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप अपने आप करोगे, और ऊपर के जो 4 प्रश्न हैं वो हम देखते हैं कि उन्हें हमें कैसे हल करना है। तो स्टार्ट करें। अब पहला प्रश्न है, 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मूल्य कितना है? तो अब हमें यहाँ पर 1 किलो आम का मूल्य पता है। कितना है 1 किलो आम का मूल्य, जल्दी से तालिका में देखकर बताओ। 40 रुपये। तो 1 किलो आम का मूल्य हमें 40 रुपये दिया हुआ है, तो हम 2 किलो आम का मूल्य निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम, 40 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी 80 रुपये आ गया। और 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य कितना दिया हुआ है वो भी देख के बताओ जल्दी से। 1 किलो सेब का मूल्य है हमारा, जल्दी बताइए कितना है, 120 रुपये। शाबाश, 120 रुपये। तो अब हमें चाहिए कुल मूल्य। कुल का मतलब क्या है, टोटल, टोटल वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 120 में हम 80 को जोड़ देंगे, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, वो भी रुपए में। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी? तो अब हमें रेट जो दिया हुआ है वो 1 किलो लीची का दिया हुआ है, यानी 1 किलो लीची का मूल्य वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया है जल्दी बताओ, 1 किलो लीची कितनी है हमारी, 70 रुपये की। तो 1 किलो का मतलब है कि 1000 ग्राम। अब हमने इसे 1000 ग्राम में क्यों चेंज किया,
क्योंकि हमें 600 ग्राम लीची का मूल्य निकालना है, तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। तो 1000 ग्राम लीची का मूल्य क्या हो जाएगा, कैसे निकालें हम? अगर हमें पता है कि 10 पेन की कीमत 100 रुपये है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? आप क्या करोगे, 100 को 10 से भाग कर दोगे। तो उसी तरह जब हमें 1000 ग्राम की जो लीची है ये 70 रुपये की दी हुई है, हमें एक ग्राम लीची का मूल्य निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इस 70 को इस 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि हम एक चीज़ का मान निकालना चाहते हैं। और जब हमें एक चीज़ का मान मिल गया, तो अब उससे हम ज़्यादा वस्तुओं का मान निकाल सकते हैं, यानी 600 ग्राम लीची का मूल्य क्या हो जाएगा, 70 बटा 1000 गुणा 600। तो इसे हल करना है आपको, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, तो 7×6 कितना आ गया, 42 रुपये, यानी 600 ग्राम लीची 42 रुपये की आई। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बहुत आसान है, अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है? तो पहले तो हम लिख लेते हैं अनार की कीमत है कितनी। तो अनार की कीमत कितनी है, जल्दी बताइए मुझे, ये भी जल्दी से देखिए। अनार की कीमत है हमारी 90 रुपये, शाबाश। और अमरूद की कीमत क्या है, अमरूद की कीमत है 25 रुपये। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है। तो जब ये शब्द यूज़ होते हैं ना, कितनी अधिक, कितना कम, कितना ज़्यादा, तो बेटा हम माइनस करते हैं। ये शब्द जहाँ भी यूज़ होगा, कितना अधिक, हाउ मच मोर, हाउ लेस, ये जितना जब भी वर्ड होगा हम माइनस करेंगे। तो यहाँ हम माइनस करके इसका उत्तर निकालेंगे। तो माइनस तो आप कर लेंगे आराम से, है ना। अब आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पर, 5 किलो अनानास का मूल्य बताओ। ये तो बहुत आसान है, 1 किलो अनानास का मूल्य पता है हमें, देखो तालिका में क्या है 1 किलो अनानास का मूल्य क्या है, जल्दी बताओ मुझे, ये है 80 रुपये का, है ना। तो 5 किलो अनानास का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 को 5 से गुणा कर देंगे। जब एक वस्तु से हम ज़्यादा वस्तु का मान निकालते हैं तो गुणा कर देते हैं ना, तो हम इसे गुणा कर देंगे, और जो हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा रुपीस में, यानी रुपए में हमें उत्तर मिल जाएगा। तो है ना आज की वर्कशीट आसान। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया ना, इसे फटाफट हल करना है, और मैं देखूंगी कौन मुझे सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है। तो इसी तरह वर्कशीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और वर्कशीट के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।